coming. Take your seat. मास्क हटा सकते हैं. ऑप्शनल और ग्रेजुएशन दोनों आपका ऑटोग्राफी. जोग्राफी आपका ग्रेजुएशन में भी रहा है और ऑप्शनल भी. जी सर. जोग्राफी विषय को आप प्रशासन के लिहाज से कहाँ तक उपयोग कर पा रहे हैं? सर, जोग्राफी का प्रशासन में बहुत अच्छा रोल हो सकता है सर. जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जोग्राफी में हम पढ़ते हैं, उसका इम्प्लीमेंट हम जोग्राफी में कर सकते हैं सर. जैसे बाढ़ या सूखा ऐसी समस्या कोई आए उसमें, और लैंड यूज पैटर्न के बारे में भी जोग्राफी में पढ़ी जाती है सर. उसका भी यूज, क्योंकि बिहार कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है सर, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर बाढ़ के समय किसी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके बाढ़ के समय मैनेजमेंट के लिए क्या क्या आप कदम उठाइएगा जोग्राफी का उपयोग? सर, बाढ़ के समय में सबसे पहले तो अगर उसमें तीन चरण में उसको बांटा जा सकता है सर, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर. बाढ़ से पहले जो भी एम्बैंकमेंट है उनको मैं दुरुस्त करवाऊँगा, उसके बाद बाढ़ के टाइम में जब बाढ़ आएगी तो कोशिश करूँगा कि जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको, लो लाइंग एरिया के लोग को ट्रांसफ़र करके अपलैंड में लाया जाए, और उसके बाद रिलीफ का कार्य करवाऊँगा. और बाढ़ के बाद सर मैं रिहैबिलिटेशन वर्क पे फोकस करूँगा. अच्छा, आपने पर्यटन के संबंध में दो सिद्धांत बड़ी महत्वपूर्ण है, वर्धन चक्र से संबंधित, उसके बारे में कुछ बताइए सर. अपर्दन से रिलेटेड एक डेविस की सिद्धांत और दूसरा पेन का सिद्धांत. दोनों में मूलभूत समानताएं और मूलभूत अंतर क्या है? सर, डेविस का मॉडल जो है वो टाइम डिपेंडेंट मॉडल है, और पेन का मॉडल टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल है. वो वर्क इरोजन और डिपोजिशन के जो वर्क का जो रेशियो है उस पर आधारित है सर. डेविस का जो चक्र है उसमें कितने चरण में किसी भू आकृति को, या स्पष्ट तौर पर कहें तो एक पहाड़ को अपर्दित होके और समतल मैदान में बदलने तक कितने चरण उन्होंने बताए? सर, डेविस महोदय द्वारा टोटल तीन स्टेज बताए हैं. उनका नाम बताइए. यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज. पेन के मॉडल में क्या बात है? पेन के मॉडल में सर तीन बताए गए हैं. एक है वैक्सीन डेवलपमेंट, उसके बाद यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, और एक है बैनिंग डेवलपमेंट सर. उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं जो कि स्पेसिफिक है उनके मॉडल के लिए, वो शब्द क्या कहें सर? पेन के महोदय के जो मॉडल है उसमें स्टार्टिंग में जहाँ से उत्थान होता है उसके लिए उन्होंने प्राइमर रंप वर्ड का यूज़ किया है, जो डेविस के पेनी प्लेन के बराबर है. और लास्ट में जो खत्म होता है उसका सर, नदी जोड़ने की योजना जो है बहुत दिनों से बातें चल रही है. जी सर. आप जो ज्योग्राफी के जानकार हैं, प्रशासन में आते हैं तो दो चार नदी जोड़वा लेते हैं, जोड़वा दे देंगे आप सर? दो चार नदी को जोड़वा देंगे अपने ज्ञान से सर? नदी जोड़ो परियोजना जो है वो सरकार द्वारा, जैसे कि बिहार में इम्प्लीमेंट की जा रही है कोसी और मेची नदी की, तो जो योजना चल रही है उसी का मैं मॉनिटरिंग कर पाऊँगा या उसमें उसके काम को आगे बढ़ा पाऊँगा. ज्योग्राफी अभी बाढ़ आया हुआ है बहुत क्षेत्रों में. जी सर. तो वहाँ भेजा जाएगा तो आप जो है अपने ज्योग्राफी के ज्ञान का किस का अभी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में बाढ़ आई हुई है और उस विभिषिका में आप तक कैसे प्रयोग होगा? सर, सबसे पहले तो जो वहाँ पे लो लाइंग एरिया है उस पर वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करवा के पानी में डूबा हुआ है, 3 फीट कहीं है, कहीं 2 फीट है, कहीं 4 फीट है, क्या क्या एक्शन लेंगे? जो क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए नाव की व्यवस्था करवाऊंगा और उन्हें
सही जगह पे ले जाकर और उनके लिए खाना का व्यवस्था करवाऊंगा और रहने का, और उसके अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी सबका उपाय। ऐसी कोई व्यवस्था पहले से सरकार द्वारा की जा रही है या फिर आप करवाइएगा? सर ये सारी व्यवस्थाएँ सरकार द्वारा की जा रही है। तो आपकी कोई व्यवस्था जानकारी की भी कोई उसमें विशेषता नहीं हुई? सर इनोवेशन में नया ये किया जा सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टीम वर्क करके और व्हाट्सएप को स्पेसिफिकली टैलेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके और उनसे वर्क करवाया जा सकता है। सर करवा सकते हैं। अभी आप इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल एक्साइज? जी सर। क्या काम होता है सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर का? सर मैं अभी हेडक्वार्टर में पोस्टेड पड़ता हूँ, तो वहाँ पे मिल में सिस्टम प्रोवाइड करता हूँ सर, जहाँ पे ऑफिसर्स की SSOID की मैपिंग करता हूँ और EOKIS का भी नया नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा बेस है उनको प्रिपेयर करके उनको मैप करता हूँ। जनरली काम क्या होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का? एक्साइज इंस्पेक्टर का मेन रोल इंस्पेक्शन करने का है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी आती है उसका टैक्सेशन का सर। तो भौतिक निरीक्षण करते हैं आप फिजिकल? जी सर। तो भौतिक निरीक्षण करने के समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सर भौतिक निरीक्षण के लिए सबसे पहले तो कोई भी फर्म है या अभी तो GST हो गया है तो ज़्यादा वैसा कोई काम होता नहीं है सर, लेकिन जब भी होता है तो इनपुट पहले से इंफॉर्मेशन आती है कि किसी प्रीमाइजेज को विजिट करना है, तो उसके लिए उनका प्रोफाइल तैयार किया जाता है सर, तो उसके बाद विजिट करके जो मारवा के जो SEC जो है उनसे मिलकर उनसे टैक्स जो पे नहीं कर रहे हैं उसके बारे में उनसे बात की जाती है और टैक्स पे करने के लिए बनाया जाता है, या रिटर्न फाइल नहीं किया तो रिटर्न फाइल करने। पेंडेमिक के दौर में अभी असामान्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं, मतलब आर्थिक गतिविधियाँ एक तरह से कहिए तो पॉज हो गई हैं, रुक गई हैं, इससे जॉब लॉस हो रहा है, आय में क्षति हुई है बहुत सारे हैं। इस दौर में हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसमें बहुत व्यापक क्षेत्रों में कुछ कुछ छूट दी गई हैं, कुछ कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, टैक्सेशन में भी बहुत सारे प्रावधान, तो टैक्सेशन के क्या क्या प्रावधान आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किए गए हैं उनमें से दो चार प्रमुख जो आपको ध्यान में लगे? टैक्सेशन में जैसे कि MSME के लिए 3 लाख करोड़ का स्कीम लाया गया है जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। वो तो निवेश का होता है ना, टैक्सेशन टैक्सेशन कुछ GST में छूट देने का प्रावधान है। GST में जो एसेंशियल ड्रग्स है उनको 5% के कैटेगरी में डाला गया है सर, कुछ ड्रग्स को इससे हटाया भी गया है, 0% में भी डाला गया है, वैक्सीन को 0% में डाला गया है, और कोई ड्रग प्रोसेस जो डिजीज है उसको भी डाला गया है, उसको इम्पोर्ट फ्री किया गया है, ड्यूटी फ्री किया गया है। अच्छा बताइए बिहार के 7 निश्चय योजना के बारे में बताइए। 7 निश्चय योजना में सरकार बिहार के डेवलपमेंट के लिए योजना लाई गई है जिसमें युवाओं पे, महिलाओं पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है और इसके थ्रू डेवलपमेंट का काम किया गया है, जैसे शौचालय का निर्माण, बसावटों का कनेक्शन सड़क के द्वारा, फिर नल जल योजना के थ्रू पानी हर गांव तक पहुंचाना, हर घर तक ही गांव तक, हर गांव के घर घर तक गाँव और सड़क तक। इससे ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? सर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेसिक नेसेसिटी जैसे कि शिक्षा की ज़रूरत है, तो युवाओं में शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की व्यवस्था की गई है, उसके बाद स्वयं सहायता भत्ता योजना की व्यवस्था की गई है, फिर महिलाओं के लिए 35% सरकारी जॉब में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये तो 7 निश्चय 1 की बात आती है। 7 निश्चय 2 में कहा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी कुछ मामलों को छोड़कर साथ में सभी मामलों में 100% प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। अब दूसरे में लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो मानव का विकास हो,
तो मानव का विकास होगा तो इसमें जो पैमाना तय किए गए हैं उनसे कैसे मानव विकास होगा वो आप बताएं। सर इसमें भी युवाओं पे ध्यान दिया गया है, जैसे युवाओं के लिए हर जिला में स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है, जैसे उनका ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट होगा सर। और नहीं बात नहीं की गई, हर ब्लॉक में भी खोल दिए गए हैं। और महिलाओं के लिए उद्यम में 50% अनुदान देने की बात कही गई है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि बिहार कृषि आधारित राज्य है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन पे फोकस करने के लिए हर खेत पानी नामक इसमें योजना की बात कही गई है। और इसमें भी जो बचे रह गए, जो भी बसावट और टोले जो बचे रह गए उनको जोड़ने की बात कही गई है। और फिर ग्रामीण विकास के लिए व्यवस्था किया गया, और शहरी विकास में जो भी पैरामीटर्स बचे हुए उनके लिए ध्यान दिया गया। वुमेन डेवलपमेंट में तो मेन तीन होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन तीनों के लिए विषय में आपको बताएं क्या किया गया वुमेन डेवलपमेंट। सर सबसे बड़ी बात है कि शहर या गांव का विकास होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होने से संसाधनों की अगर उपयोग किया जाए संसाधनों का तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो उसके साथ साथ स्किल की व्यवस्था की गई है जिससे एजुकेशन और बेरोजगारी की कमी आएगी सर। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की बात कही गई है सर। तो इससे स्वास्थ्य में जब सुधार होगा तो जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो हाल में सम्पन्न हुए हैं वो अन्य विधानसभा चुनाव से कहीं भिन्न था या उसके मुद्दे भिन्न थे, उस पर ज़रा फोकस डालें। सर बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए तो कई महीनों में पहले के चुनाव से अलग थे, क्योंकि ये कोरोना का दौर अभी भी जारी है और उस समय पहला वेव चल ही रहा था, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था। तो चुनाव में कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया जो इससे पहले के चुनाव में कभी हुए नहीं थे। और कोरोना से आपने भी न्यूज़ चैनल देखा होगा, मीडिया रिपोर्टिंग देखी होगी, अखबार भी देखा होगा, आपको लगता है कि वास्तव में धरातल पे कोविड प्रोटोकॉल का जरा भी पालन हुआ? सर पालन बिल्कुल रूप से हुआ है और कहीं कहीं कमी रह गई है सर। तो लोगों को इसके प्रति ससमय मीडिया द्वारा या समाचार द्वारा या लोगों द्वारा अधिकारियों द्वारा लोगों को अवेयर किया गया है सर। और लोग इतने पालन किए प्रोटोकॉल को तभी केस की संख्या जो है वो इतनी थी उससे कम रही, अगर नहीं कर पाते तो स्थिति और भयावह हो जाती। अच्छा एक बात बताइए, केंद्रीय सरकार के जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का, उसमें से राज्यों को जो दिया जाता है उसके लिए जो बंटवारा होता है, जो हिस्सेदारी मिलती है, वो किसके आधार पे, किसके सुझाव पे वो बंटवारा होता है? सर ये बंटवारा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर होता है। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी काम का आधार है? सर अभी वर्तमान में 2021 से 26 के लिए 15 फाइनेंस कमीशन पर काम कर रही है जिसके चेयरमैन एनके सिंह। कौन सा नंबर क्या है कमीशन का? 15 फाइनेंस। अच्छा 15वां वित्त आयोग। जी सर। तो आमतौर पे कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग की अनुशंसाएँ होती हैं? सर आमतौर पर वित्त आयोग की अनुशंसा 5 साल के लिए होती है, लेकिन कोविड के दौर के कारण सर 1 साल के लिए इनका एक रिपोर्ट आया, उसके बाद फिर इनका एक्सटेंशन 5 साल कर दिया गया 2021 से 24 के लिए, कुल मिला के 6 साल के लिए इनका। जी सर। चलिए 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ किस मायने में भिन्न है और इनके अनुशंसाओं का जो आधार है जिस आधार पर ये अपने बंटवारे को राज्यों के बीच करते हैं डिविजिबल पूल में से, वो क्या क्या है? सर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में 14 फाइनेंस कमीशन के जो पैरामीटर थे लगभग उन्हीं को फॉलो किया गया है, उसमें कुछ चेंजेज करते हुए सर। जैसे कि नया में टैक्स डिफर्ड को जोड़ा गया जिसके लिए 2.5% वेटेज दिया गया सर। और जनसंख्या के लिए 14 फाइनेंस कमीशन 1971 की जनगणना को जनसंख्या को यूज करती रही है।
और इसमें 2011 की जनगणना भी किया गया। उसके अतिरिक्त जनसंख्या के आधार पर जो इनकम डिस्टेंस का जो पैरामीटर है सर, उसको 14.5 सबसे ज़्यादा फ्रांस सबसे ज़्यादा वेटेज किस पैरामीटर पर दिया गया सर? सबसे ज़्यादा वेटेज जनसंख्या के आधार पर पर कैपिटा इनकम डिस्टेंस जो है उसको 45% दिया गया। अगर दक्षिण के कुछ राज्यों का ऐसा मानना है कि 2011 की जनसंख्या का आधार के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो हमने जो प्रयास किए हैं जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, ये तो हमारे सकारात्मक प्रयास को दंडित करने का एक तरीका हो गया कि हमको उस आधार पर कम राशि मिलेगी उत्तर के जो राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन्होंने बेतहाशा अपनी जनसंख्या को बढ़ाया और जनसंख्या को आधार माना जाएगा तो हमको तो कम अंश मिलेगा सर। इसके लिए जनसंख्या जो भी जैसे सदर्न स्टेट की जनसंख्या नीति में बहुत अच्छी प्रभावी रही और उन्होंने जनसंख्या को कम किया है, तो इसके लिए 12.5% का एक वेटेज तैयार किया गया है जिससे इनकी समस्याओं को और इनके लिए निदान निकाला गया है सर। इनको जनसंख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जितनी जनसंख्या कम होगी उनका उनसे ज़्यादा सॉरी सर उनके विपरीत उनको ये डिवोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि बिहार और यूपी जैसे राज्य इस पैरामीटर में उनको कम डिवोल्यूशन मिलेगा सर, उसका वेटेज कम होगा। हमारा बिहार टोटल जो डिवोल्यूशन होगा ओरिएंटल डिवोल्यूशन उसमें से किस स्थान पर राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो बिहार को किस स्थान पर अमाउंट प्राप्त होगा? सॉरी सर प्रथम राज्य कौन होगा जिसको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा? कुछ अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण बताइए वर्तमान में सर। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर में तो सबसे मेन GST ही है सर, और उसके अतिरिक्त जैसे कि अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे GST का संशोधन जो हुआ संविधान में GST को लाने के लिए, वो कौन सा था सर? 101वां संविधान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सब ठीक है, अपने नॉलेज को ब्रॉड कीजिए। करंट में अफगानिस्तान समस्या है, विश्व